वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक्रोपेट वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि हम जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस लेके आएं आपके लिए उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ पाए और आप उन्हें मिस ना करें। तो जैसे कि हम रोज़ रोज़ नए नए टॉपिक्स पे वीडियो लेके आते रहते हैं, सो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप अपने बर्ड्स को पेट्स को कैसे बेसिकली फीडिंग करवा सकते हैं, हैंड फीडिंग। नॉर्मली होता क्या है, हमारे बर्ड्स रहते हैं, जैसे कुछ फैंसी बर्ड्स रहते हैं, केज बर्ड्स रहते हैं, पिजन है, डब्स हैं, सो उनके माँ बाप जो रहते हैं वो उनको बेसिकली फीड देना बंद कर देते हैं, या वो कई बार मर जाते हैं, या वो बर्ड बेसिकली फीड ले नहीं पाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि अपने बर्ड्स को फीड कैसे करवाएं। सो मार्केट में पेट्स के जो सिरिंजेस रहती हैं, फीडिंग टूल्स रहते हैं, वो बहुत महंगे रहते हैं, क्योंकि वो एसएस की नीडल्स के साथ आते हैं, ग्लास के रहते हैं, टूट जल्दी जाते हैं और कॉस्टिंग भी उनकी जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। सो इसी का एक लोकल सॉल्यूशन है ये बेसिकली डिस्पोजेबल सिरिंजेस, जो एक सिरिंज है नॉर्मली आपको बेसिकली 15-20 रुपए में मिल जाती है, डिपेंड करता है कि आपके साइजेस पे, 5 ml, 10 ml, 50 ml, 60 ml की सिरिंजेस आती हैं। सो बहुत ही सस्ता सा सिस्टम रहता है ये, आप इसको बना के अपने घर में रख सकते हैं, अपने बर्ड्स के लिए, पेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो देख सकते हैं आप, हमने कुछ सैंपल्स रखे हैं, ये एक नॉर्मल सिरिंज है जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है फॉर सिंगल यूज़ ओनली, ठीक है, डिस्पोवेन इसका ब्रांड है। सो नॉर्मली ये जो है हॉस्पिटल में एक बार ही यूज़ होती है, पर ये बर्ड्स में हम इसको फीडिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। सिंगल यूज़ इसलिए रहता है कि इसमें ब्लड के चांसेस रहते हैं, मेडिसिन के चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं ह्यूमंस में, क्योंकि ये बेसिकली इसके थ्रू डायरेक्ट इन्वेसिव ब्लड में अंदर जो है वो मेडिसिन्स जाती हैं, तो जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, तब करके इन पे लिखा होता है सिंगल यूज़। नॉर्मली ये सिंगल यूज़ होती है, हॉस्पिटल यूज़ में अगर ये यूज़ हो रही है तो ये सिंगल यूज़ है, एक बार यूज़ किया और उसके बाद डिस्कार्ड कर दिया। सो ये भी बहुत तरह की अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में आती हैं, अलग अलग कंपनीज में आती हैं, प्राइस भी वेरी कर सकते हैं, साइज भी वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजेस, ठीक है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं नॉर्मली ये डिस्पोवेन 20 ml, आप देख सकते हैं इसकी टिप, इसकी जो टिप है वो साइड में है, ठीक है, छोटी सी टिप है, यहाँ पर बेसिकली निडल लगने के लिए रहता है ये, ठीक है। दूसरा ये आ गया 50 ml का सिरिंज, सेम है, साइड टिप है, स्मॉल साइज की है, और उसके बाद ये आ जाता है बिग साइज़ की, 60 ml की है, और ये देख सकते हैं आप सेंटर टिप के साथ है, इसका साइज़ भी लंबा है, बड़ा है, और जो डाया है वो भी बड़ा है, चौड़ाई में भी इससे ज़्यादा है। सो ये होती सभी हॉस्पिटल्स में ही यूज़ है, पर ये है कि नॉर्मली जो ये सिरिंजेस हैं ये नॉर्मल हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल रहती है, जो ये सिरिंज है ये नॉर्मली हमें इजीली अवेलेबल नहीं रहती, सो काफ़ी ढूंढना पड़ता है इसको लेने के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल यूज़ नहीं होती। सो ये सिरिंजेस हैं 5 ml, 2 ml, 250 ml आपको इजीली मिल जाती हैं। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं ये बीटी सेट है, बीटी सेट में पहचान क्या है इसकी, अगर इसके अंदर जाली है तो ये ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए है, मतलब ये ब्लड चढ़ाने के लिए यूज़ होता है बीटी सेट। इसकी कीमत जो रहती है वो बेसिकली 40-50 रुपये में मिल जाता है इजीली। सेम ऐसा होता है, यहाँ पर निडल के लिए लगा रहता है, हमने काट दिया इसको, यहाँ पर सेम ऐसा ही रहता है बट ये फिल्टर नहीं होता उसमें, सो वो जो रहता है वो आईवी सेट रहता है, इन्फ्यूज़न चढ़ाने के लिए यूज़ होता है, जो बेसिकली फ्लूड्स वगैरह चढ़ाते हैं उसके लिए यूज़ होता है, ये वाला जो है ये बेसिकली यूज़ होता है ब्लड चढ़ाने के लिए हॉस्पिटल्स में। तो आप ले सकते हो बेसिकली, ये टिप देख सकते हैं इसकी आप, बेसिकली जो ट्यूबिंग है वो बहुत सॉफ्ट रहती है, सो ट्यूबिंग का यूज़ करके हम बेसिकली अपनी इन सिरिंजेस को फिटिंग सिरिंजेस बना सकते हैं। छोटा सा पीस काट के इसके आगे चढ़ा देंगे, उसके बाद हम अपने बर्ड्स के इजीली स्टमक तक ये ले जाके फीडिंग दे सकते हैं, अगर आपको वो फीड नहीं ले रहा है। कई बार क्या होता है उनके बेसिकली गले में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उस टाइम पे आप इनको बेसिकली अंदर तक भी ले जा सकते हैं उनके स्टमक तक, और इजीली फीड करा सकते हैं, चुभता नहीं है, कटता नहीं है, जख्म नहीं होता इससे, सो इजीली आप अपने बर्ड्स को इससे फीड करवा सकते हैं। स्मॉल बर्ड्स जो रहते हैं आपके, आपको कुछ फ्लूड देना है, कोई आपको बेसिकली उनको A19 जैसे फीड्स रहती है, हमें वो घोल
फीड्स का देना होता है, तो उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सीन देख सकते हैं, थोड़े से बड़े बर्ड्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये टिप इसकी बड़ी है, ईज़िली इसमें बेनिफिट ये रहता है कि जाम नहीं होती। नॉर्मली इसमें क्या होगा, अगर आप फीड देते हैं तो ये बेसिकली साइड पॉइंट होने के कारण इसमें और ये डाया कम होने के कारण फीड्स वगैरह जो है हमारी चोक हो जाती हैं, या हमें बहुत ज़्यादा पतला करके जो अपना फीड है वो देना पड़ता है, या फिर इसको बार बार हमें क्लीन करना पड़ता है। सो आप ये देख सकते हैं इसका सेंटर पॉइंट है, साइज़ में बहुत बड़ा है ये, ईज़िली बेसिकली आप चोंच तक ले जा सकते हैं, उसके गले तक ले जा सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा गाढ़ा फीड या सेरालैक वगैरह कई बार देते हैं बर्ड्स को, तो वो आप इजीली दे सकते हैं। सो ये सिरिंज इन सबसे बेटर है वैसे, तो आप अपनी यूजेस के अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है, वो बेसिकली जो यूजुअल सिरिंजेस रहती हैं बहुत कॉस्टली रहती हैं, जिसके कारण हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता, 2-3 हज़ार रुपये की सिरिंज वो नहीं ले पाते हैं, या वो बेसिकली ग्लास की रहती हैं तो वो टूट जाती हैं। सो उस पे टाइम पे आप बेसिकली आप ये सस्ते वाली सिरिंजेस लेके जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में यूज़ होती हैं, इनसे आप अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं, उनको प्रॉपरली फीड करा सकते हैं, और ये अपने आप घर में बना के रख भी सकते हैं, कभी आपको इमरजेंसी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत ही सस्ता सोल्यूशन है ये रियूजबल सिरिंजेस का। नॉर्मली ये सिरिंज 10 से 15 रुपये में, 20 रुपये में मैक्सिमम, 50 ml की अगर हम बात करेंगे 30 से 50 रुपये में इजिली मिल जाएगी। 60 ml ये जो रहती है थोड़ी सी कॉस्टली रहती है, सो ये आपको बेसिकली 80-100 रुपीज़ में इजिली मिल जाएगी। पर ये जो ये सिंजेस हैं आप बेसिकली काफ़ी दिन तक यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है काफ़ी दिन रहने के बाद या बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद ये रबड़ जो है इसमें जाम होना शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पर आप बेसिकली इस पर हल्का सा कोई जो हमारा खाने वाला ऑयल रहता है, रिफाइंड्स रहते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उस पर हल्का सा वैसलीन लगा सकते हैं ताकि ये नॉर्मली चले, क्योंकि कुछ टाइम चलने के बाद थोड़ा सा ये हार्ड हो जाती है। सो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है ये, बेसिकली आप इससे हैंड फीडिंग टूल बना सकते हैं, इजीली अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं, फीडिंग करा सकते हैं। सो इजीली मार्केट में ये अवेलेबल है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें।